अरे कार्तिकी म्यूट करा, दिलकर। मागे आवाज येतो उत्तरा तुम्हारा मैडम मोठा प्लीज आवाज म्यूट येतो. युअर सेल्फ। हाँ सर। तो दिस इज दी लास्ट मॉड्यूल इन दी सेक्शन नंबर वन, सॉरी सॉरी अगर लास्ट प्रेजेंटेशन इन मॉड्यूल नंबर वन. बट कल का पहला और आज का आखिरी का, ये आपके एग्जाम के एंगल से इम्पोर्टेंट है, ऑल्सो आपके रिसर्च प्रैक्टिस में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. सो वी विल स्पेंड एन आवर टॉकिंग अबाउट इथिकल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑल्सो, राइट? सो टू बिगिन विथ, नैतिकता आपण ज्याला म्हणतो ती फिलॉसॉफीची एक शाखा आहे, इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसॉफी. कई बार हम मोरालिटी और इथिक्स को इस्तेमाल करते हैं, दो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं. दीज आर नथिंग बट दी टू साइड्स ऑफ दी सेम कॉइन, नैतिकता आणि इथिक्स. तसा शब्दशहा फरक नाही आहे, पण त्याचा अर्थ तोच येतो की नैतिकता म्हणजेच इथिक्स आणि नैतिकता म्हणजेच मोरॅलिटी. प्रॉब्लेम काय आहे? इथिक्स कॅनॉट बी टॉट बट कॅन बी प्रॅक्टिस. नाव दिस इज वन ऑफ दी बिगेस्ट हर्डल्स इन टीचिंग दी इथिक्स. आय कॅनॉट टीच यू इथिक्स बट यू कॅन प्रॅक्टिस इथिक्स. मग तुम्ही म्हणाल, सर शिकवताच येत नाही तर मग शिकायचं कशाला? प्रॉब्लेम हा आहे की नैतिकतेची व्याख्या ही व्यक्ती टू व्यक्ती बदलते, समाज टू समाज, कंट्री टू कंट्री, इट चेंजेस. सो देर इज नो सच थिंग एज वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, राइट? सो इफ यू सी इट इन इंडिया, अगर 10 बजे की मीटिंग है तो लोग 10:15 तक आते हैं. तो बोलते अरे चलता है ना यार, हो जाएगा प्रॉब्लम. बट वेस्टर्न वर्ल्ड मध्ये 10 ची मीटिंग आहे म्हणजे 9:58 सगळे लोक इथे हजर राहतील. सो पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम. नाउ इट इज नॉट अनइथिकल पर से, मी हे नाही म्हणत की ते नैतिक नाही आहे, पण त्या समाजातले काही ट्रेंड आहे. आता मी एक प्रश्न विचारतो, नैतिकता आपण कशी शिकतो? हाऊ डू वी लर्न इथिक्स? कहाँ से सीखते हैं इसको? सर विथ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, ओके, व्हाट एल्स? फैमिली फैमिली हाँ, बाय द पीपल अराउंड अस मतलब मतलब पीपल द सोसाइटी एंड द अराउंड अस, फैमिली। फैमिली, सोसाइटी. और ये कब शुरू होता है सीखना? इट्स राइट फ्रॉम द वी गेन अर्ली कॉन्शियस एज, कॉन्शियसनेस. 3 to 4 years आई थिंक। हाँ, तो हमारे बचपन से ही हम अगल बगल के लोगों को देखकर ये सीखना चालू करते हैं, और इसको बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ द इथिक्स. ओके, कोरोना के पहले का किस्सा है. मैं किसी मेरे फ्रेंड के यहाँ गया था, और वहाँ पे उनकी पोती थी या उनके घर की एक छोटी लड़की थी, शायद 5-6 साल की होंगी. तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, और वो उनके मदर को फ़ोन आया. तो वो मदर ने फ़ोन उठाकर वो एक कोने में गई, और उसने बोला कि वो घर पर नहीं है, वो बाहर है. तो वो 5 साल की लड़की को समझा नहीं कि अपनी मम्मी झूठ क्यों बोल रही है फ़ोन पे, राइट? उसके फेस के एक्सप्रेशंस एकदम अलग थे. अब उसको ये मालूम था कि मम्मी घर पर ही है, पर मम्मी ने फोन पर बोला कि वो घर पर नहीं है. प्रोबेबली शी कैनॉट कंटेम्पलेट वाई इट वॉज सेड सो. उसके लिए रीजन भले ही कुछ और हो सकता है, जेन्यून भी हो सकता है या वो झूठ भी हो सकता है, बट वो लड़की को पता नहीं चला. तो क्या होता है, आपके इथिकल फाउंडेशन की शुरुआत आपके घर से शुरू होती है. कौन सी प्रथाएं पाली जाती है, किसको सम्मान दिया जाता है, क्या बोला जाता है, सो एंड सो फोर्थ. एज यू एंटर द एडल्टहुड, तो आपका फाउंडेशन वो आपको रिफ्लेक्ट अपॉन करते रहता है. प्रॉब्लम ये है कि इथिक्स इज नॉट द स्टैटिक स्टेट ऑफ माइंड. एन इथिकल पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अनइथिकल, एंड अनइथिकल पर्सन कैन ऑल्सो बिकम इथिकल. वाल्या कोण होता? वाल्यात चोर होता.
वाल्याचा वाल्मिकी झाला, राईट. तसेच बऱ्याच वाल्मिकींचे वाल्याही झालेत. आसाराम बापू जेल में गए, बाद में वो कौन से डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम वो भी जेल में गए. मैं उनको नैतिक तो नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से सभी जो अपने आप को संत और बापू और जिनके बड़े बड़े आश्रम है वो वैसे ही अनैतिक लोग है, वो केवल नैतिकता का मुखौटा पहन के चलते हैं समाज में. सो इथिक्स इज नॉट स्टैटिक. एक मोमेंट में आप अनइथिकल भी हो सकते हो. प्रॉब्लम ये है कि सवेरे उठने से शाम को सोने तक हम हर पल राइट एंड रॉन्ग की बीच वाली डोर पे चलते हैं. कई बार हम रॉन्ग साइड भी चलते हैं, कई बार हम राइट साइड भी चलते हैं, बट ये आप एम्फोसाइज कीजिए कि आप 51% राइट हो गए, 41% आप रॉन्ग साइड में हो गए. जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो इसके प्रिंसिपल्स कुछ अलग तरीके से सामने आते हैं, उसके रिपरकशंस होते हैं, कई सारी चीज़ें सामने आती है. तो उसको भी हमें रिसर्च करते समय उन चीज़ों का, उन प्रिंसिपलों का हमें ख्याल रखना है. प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लोग दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं, किसी को भी रिसर्च इथिक्स का फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता. आपको भी मैंने एक बार एक यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर से बात की थी, म्हटलं सर आपण मुलांना आपल्या पीएचडीचं नैतिकतेचं शिक्षण द्यावं का, तर त्यांनी माझ्याकडे असं कटाक्ष टाकला, काय बोलतोय म्हणे तू. म्हटलं नैतिकता, अरे नैतिकता समाजातच नाही तर या मुलांना कशाला द्यायचं म्हणजे शिक्षण. हे बहुतेक गमतीने म्हटले असतील, पण फॉर्मल ट्रेनिंग किसी भी रिसर्चर का नहीं होता है. आपका जो गाइड है या आपकी फैकल्टी है, उन्होंने कभी आपको इथिक्स के बारे में बताया क्या? अब बताया भी होगा तो दे आर वेरी पुअरली मेंटर्ड बाय योर फैकल्टी और योर गाइड, राइट. बिकॉज आपके गाइड के पास ही खुद इथिक्स का एजुकेशन की कमी है, तो वो आपको कैसा मेंटोर करेगा, राइट. अब दुनिया में कुछ लेबोरेटरीज है, रिसर्च लेबोरेटरी, वहां पर भी जो है मेंटर से स्टूडेंट को दिया जाता है इथिकल विजडम, बट उसमें भी कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं है. एंड दैट प्रोबेबली डिफर्स वाइडली फ्रॉम लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी. तो ऐसा कोणता ही प्रोटोकॉल नहीं है कि जिथे तुम्हाला संशोधनाबद्दल नैतिकतेची माहिती किंवा नैतिकतेबद्दल मेंटरिंग केलं जातं, दॅट इज इन शॉर्ट सप्लाय. आपके एग्जाम के एंगल से ये 6 प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है. ओके, दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ट्रूथ. म्हणजे काय हो, व्हॉट इज ट्रूथ? ट्रूथ मतलब क्या? What do we mean by truth? सांगा ना. हॅलो सर. टच. ओके, व्हॉट एल्स? व्हॉट एल्स? और क्या क्या खासियत है ट्रूथ की? What is so unique about truth? It cannot be false. हमको याद नहीं रखना पड़ता सर. हमको याद नहीं रखना पड़ता. It cannot be false. Or what else? It cannot be changed. It cannot be changed. What else? What else? It is same forever. Right? So there are two things. The truth is absolute. ऍब्सोल्यूट, या आपण मॅथमॅटिक्स मध्ये ऍब्सोल्यूट म्हणतो ना. ऍब्सोल्यूट मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि राजेंद्र 80% सच्चा है और निकुल 70% सच्चा है. नो, इधर वो सच्चा है या झूठा है. ट्रूथ कैनॉट बी कंपेयर्ड. नॉट कंपेयर्ड मतलब उसको ऍब्सोल्यूट बोलते हैं. वो यूनिवर्सल है, उसको किसी से भी कंपेरिजन नहीं है, वो स्टैंड अलोन में है. ये दूसरा, ट्रूथ ऑलवेज कम आउट. आप कितना भी
झूठ को छुपाओ, सच्चाई एक दिन बाहर आती ही है और सच्चाई हमेशा जीतती है। ये हिंदुस्तान के जो हमारा एम्बलम है 3 लायंस का, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सच की केवल जीत होती है, ये लिखा गया है। और हमारे एज में जो फिल्में बनाई जाती थी उसमें वही होता था कि एंड में विलेन हारेगा हीरो जीतेगा। तो हमारे जो संस्कार है रामायण महाभारत उसमें भी यही बताया गया कि 5 पांडवों की 100 कौरवों पे जीत हो गई, और रामायण में भी राम और उनके भाइयों की रावण के ऊपर जीत हो गई। सो ट्रूथ ऑलवेज विंस, ये हमको बताया गया। नाउ ट्रूथ कम्स आउट नो मैटर हाउ यू ट्राई टू हाइड। अब इंडिया में ऐसे कई किस्से हुए हैं, कई केसेस हुए हैं, तो अगर आप में से कोई भी ये ख्वाहिश रखता है या ये एम्बिशन रखता है कि उनको वाइस चांसलर बनना है, HOD बनना है, बड़े पोस्ट पे जाना है, यूनिवर्सिटी में एक्टिव रोल प्ले करना है, तो आपका इथिकल बैकग्राउंड बहुत क्लियर होना चाहिए। बिकॉज हम अभी इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं और आपके बारे में कोई भी जानकारी निकाली जा सकती है अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और आपको वो जानकारी अगर सही होगी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक किस्सा हुआ था, काफी पुराना हो गया अभी, वो पांडिचेरी की वाइस चांसलर थी, शायद वो पहली ऐसी VC थी जिनको इथिक्स के मामले में उनको पोजीशन से निकाला गया था। हुआ ये था, उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, उन्होंने कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया वगैरह वगैरह, तो स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, वो मैडम का बायोडाटा निकाला। आप जब VC के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एक 70-80 पन्ने का आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो वो किसी ने वो निकाला, वहाँ पे उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिला। उसमें वो मैडम ने लिखा था उनके पास श्रीलंका की PhD है, तो वो स्टूडेंट यूनियन ने श्रीलंका वालों से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बोला हमने ऐसे किसी शख्स को ऐसी डिग्री दी नहीं है, उनके पास एक से ज़्यादा PhD थी बट वो वाली झूठी PhD थी। सेकंड, वही यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसने एक बार ये मैडम को, जब वो VC नहीं थी, उनको एक पेपर दिया था रिव्यू करने, तो वो मैडम ने पेपर अपने नाम पे छाप लिया और वो जर्नल में छप गया, तो वो स्टूडेंट ने वो पेपर की कॉपी निकाली कि ये तो मेरा पेपर था, इसने अपने नाम पे क्यों छापा मेरे को बिना बताए। तो ऐसी तकरार लेके वो तमिलनाडु के जो गवर्नर है, बिकॉज पांडिचेरी तमिलनाडु के अंडर आता है गवर्नरशिप में, तो अपने बनवारीलाल पुरोहित साहब थे, वो स्टूडेंट कंप्लेंट लेके गए और उनको एक दिन के अंदर निकाला गया VC मैडम को। काय होतं, तुम्ही कितीही खोटं लपवायचा प्रयत्न केला तो सच्चाई ये सामने आती है। तो इसलिए जिन लोगों को आगे जाना है, लाइफ में तरक्की करनी है, पब्लिक लाइफ में आना है, तो आपका बैकग्राउंड साफ होना बहुत जरूरी है नैतिकता के एंगल से, है ना। सो ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, ओके, दैट इज प्रिंसिपल नंबर 1। वो हिंदी में भी एक गाना है, पुराना गाना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। हा विषय भारतातले नवीन झालेले IAS आणि केंद्र सरकारचे जे मुख्य अधिकारी असतात ना, त्यांना नियमित शिकवतो मी। आय रेग्युलरली टॉट दिस टू ऑल दिस करप्ट गव्हर्नमेंट पीपल। मी त्यांच्या तोंडावर म्हणतो की आप भ्रष्ट हो, सगळे नसतात, पण यू शूड अंडरस्टँड थिंग्स इन पर्स्पेक्टिव, की झूठ कभी मत बोलो, मजबूरी में बोलाऊंगा एक्सेप्ट कर लो, बट ये महंगा पड़ता है आगे चलते। अर्ली टाइम में अगर आप गलतियां करते हो तो इट इज कैन बी रेक्टिफाइड, बट इफ यू डोंट रेक्टिफाई एंड कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इट, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। सो बी अवेयर ऑफ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड, फ्रीडम, ओके। सो आपको नागपुर यूनिवर्सिटी ने PhD करने का पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, आपको बताया गया कि 5 साल में जमा करो और प्रोबेबली हर साल आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का है, राइट। सो नोबडी इज आस्किंग यू हाउ यू आर डूइंग योर रिसर्च, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से डेटा, नोबडी इज क्वेश्चनिंग यू।
एज ए प्रोफेशनल यू हैव बीन गिवन फुल फ्रीडम टू डू व्हाट एवर यू इंटेंड टू डू. देर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम योर गाइड और यूनिवर्सिटी और पीएचडी सेल फॉर दैट मैटर. सो फ्रीडम, इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए. थर्ड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अब फ्रीडम किसको मिलता है? फ्रीडम इज ओनली गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल. जे जबाबदार आहेत त्यांना स्वातंत्र्य मिळतं किंवा त्यांना स्वातंत्र्य दिलेलं बरं असतं. से फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी बेटी है, आपके घर का नियम है कि रात को 7 बजे के पहले इसको घर आने का है. पिछले 10 साल से वो एग्जैक्टली वो रूल को फॉलो कर रही है. अब एक दिन वो आती है आपके पास, बोलती मम्मी आज मेरे सहेली का बर्थडे है, मुझे रात को 9:30 बजेंगे, मुझे जाने की परमिशन दो. व्हाट यू शुड डू एज ए मदर? यू शुड लेट हर गो. व्हाई? बिकॉज ऑल दिस ईयर शी वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड शी डिजर्व द फ्रीडम. जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है दे डोंट डिजर्व द फ्रीडम. सो सिंस यू आर अ रिस्पॉन्सिबल रिसर्च स्कॉलर द फ्रीडम इज गिवन टू यू. सो इन द इथिकल प्रिंसिपल responsibility is one of the aspect that also aligns with the freedom and aligns with the integrity. So responsibility hogi, aapko responsibility kya di gayi hai ki within a time of 5 years complete and submit your dissertation as per the prescribed format and rules and regulation published by UGC or PhD cell or the university authorities from time to time in the best professional manner. ती तुमच्यावर दिलेली जबाबदारी आहे. संशोधन कसं करायचं आहे हे तुम्हाला ठरवायचं आहे, पण जबाबदारी ती तुमच्यावर आहे की त्याला योग्य पद्धतीने करायचं. मग येतं इंटिग्रिटी, इसको मराठी में एकनिष्ठता म्हणतात. जब द्रोणाचार्य जी ने मना किया एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाना, तो एकलव्य ने उनका पुतला बनाया और धनुर्विद्या मास्टरी की. जब वो गुरु दक्षिणा देने गए तो एकलव्य ने उनका अंगूठा मांगी है. सो ऑल द वे ही वॉज इंटीग्रल. तो वही इंटीग्रिटी आपको रिसर्च करते समय भी दिखानी है. जो आपको अभी 5 साल का समय दिया है प्लस आगे चल के जो भी रिसर्च आप करोगे, म्हणजे मला बरेच याची जाणीव होते, बट मी जेव्हाही माझ्या रिसर्च माइंड मध्ये जातो एखाद्या प्रोजेक्ट मध्ये, तर मला मग कशाचं भान राहत नाही की काय होत आहे आजूबाजूला. तोपर्यंत ते काम संपत नाही तोपर्यंत अस्वस्थता वाटते. तर त्याला एकात्म एकनिष्ठ होऊन काम करणं असं म्हणतात. सो व्हेनेव्हर यू टेक एनी फ्युचर रिसर्च प्रोजेक्ट यू हॅव टू बी ऑफ एकनिष्ठ नेचर, इंटिग्रिटी. दॅट इज प्रिन्सिपल नंबर 4. देन कम्स दी प्रोफेशनलिझम. प्रोफेशनलिझम इज ऑल्सो थ्रू युअर वर्क. जिस टाइप का थीसिस आप सबमिट करोगे, इट शुड बी फ्री ऑफ एरर, इट शुड बी फ्री ऑफ कॉन्टेक्चुअल एरर इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इन ऑल फॉर्मेट एज मच एज पॉसिबल टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. सेकंड, इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. हाई क्वालिटी मीन्स वेरी वेल प्रेझेंटेड, वेरी वेल प्रिपेअर्ड, वेरी वेल प्रिंटेड. ते तुमचं व्यावसायिकतेचं दर्शन दाखवणारं काम असावं, कारण त्या पुस्तकाच्या आधारावर तुम्हाला आचार्याची पदवी मिळणार आहे. आगे चल के जब आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे, तो युअर कंडक्ट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन प्रोफेशनलिझम. इफ यू आर कोलॅबरेटिंग विथ सम अदर रिसर्चर, अदर एजन्सीज, तर तुमच्या वागणुकीमध्ये सुद्धा प्रोफेशनलिझम ते आलं पाहिजे. कामात तर आलंच पाहिजे, आत्ता अपेक्षा आहे कामात, कारण आत्ता तुमची वागणूक कोणी कंट्रोल करत नाही आहे. नॉट युअर गाईड, नॉट द युनिव्हर्सिटी इज कंट्रोलिंग युअर बिहेवियर. बट वन्स यू गेट द डिग्री अँड यू स्टार्ट डुईंग अदर रिसर्च ऑर यू बिकम अ प्रोफेसर ऑर एचओडी, देन आपके बिहेवियर में, आपके आचार में, आपके कामों में प्रोफेशनलिझम हे दिसलं पाहिजे. अँड द लास्ट प्रिन्सिपल इज अ कोलॅबरेशन. अब क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ information technology we can connect to any researcher across the world, we can be in collaboration with any bodies, any research agencies, any research scholars, so on and so forth. So without collaboration the research, cross border research is not possible.
So whenever we are partnering or collaborating with any individual or agency, we must also follow the ethical principle. ते काय आहे ते पुढच्या स्लाइडमध्ये मी सांगेल. टिपिकली कोलॅबरेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि वो अंबेडकर कॉलेज में मेरे को मिले थे प्रोफेसर, उन्होंने कोलैबोरेट किया तो उनके काउंटर एजेंसी ने अपने नाम पे सब कर लिया. दैट इज अ ब्रीच ऑफ इथिकल प्रिंसिपल. सो ट्रूथ, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, कोलैबोरेशन, ये आपको रात को 12 बजे भी पूछा तो ये 6 प्रिंसिपल याद रहनी चाहिए. दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. नाउ गम्मत बघा काय है. कई ऐसी एक्टिविटी है हाँ जिसको सरकार सिर्फ मिसकंडक्ट बोलती है, राइट? वो आपको जेल में नहीं डालती, इट इज अ मिसकंडक्ट. बट वी एज अ रिसर्चर दिस एक्टिविटी आर रिगार्डेड एज अनइथिकल. आपने अगर किसी का मटेरियल कॉपी किया वापरलं तो सरकार तुम्हाला जेल मध्ये नाही टाकणार. जास्तीत जास्त ते म्हणतील इसका मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट किया इसने. बट एकेडमिक वर्ल्ड में या रादर रिसर्च वर्ल्ड में वी कॉल इट एज अनइथिकल, इट इज नॉट इथिकल. सो दीज आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज अदर डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेबल रिसर्च प्रैक्टिसेस. ज्या एक्सेप्टेबल संशोधनाच्या पद्धती आहेत त्याच्या बाहेर जर आपण गेलं तर मग त्याला डेविएशन म्हणतात. त्याच्यापासून तुम्ही मार्ग भटकला. त्या काय आहेत? नंबर वन, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन टू डिफरंट जर्नल विदाउट टेलिंग द एडिटर. होता ही नहीं है, मुझसे भी हुई थी ये गलती एक बार, एक ही बार हुई थी. वो क्यों हुआ था? क्योंकि आपको लगता है मेरा पेपर सब जगह पब्लिश हो तो आप पहले 10 जगह एब्स्ट्रैक्ट भेजते, फिर 4 लोग आपको पेपर मांगते और फिर आप भूल जाते. ये होता है कि 2 महीने के अंतर में दोनों जर्नल में छप जाता. आता हे असं करायचं नाही. ओके, जेव्हा तुम्ही सबमिटिंग द सेम पेपर टू डिफरंट जर्नल विदाउट टेलिंग एडिटर, हे सुद्धा डेविएशन आहे. जब आप किसी भी जर्नल को आप एब्स्ट्रैक्ट भेजिए 10 जर्नल को, पर वो जब पेपर मांगता है ना, जो पहले मांगेगा उसको पहले दे दो. अगर अगले हफ्ते दूसरे ने मांगा तो उसको लिखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, द जर्नल सो एंड सो हैज रिक्वेस्टेड माय पेपर अर्लियर लास्ट वीक, आई हैव सेंड देम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड टू गेट इट पब्लिश, आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू, शुड यू डिसाइड टू कंसिडर इट फॉर पब्लिकेशन लेट मी नो सो दैट आई विल स्टॉप अदर जर्नल फ्रॉम गेटिंग इट पब्लिश. एवढं वाक्य ईमेल मध्ये लिहायला काय जातो? हे लिहायला पाहिजे, त्याला नैतिकता म्हणतात. हे करायचं, एकदा चूक झाली की ती रिपीट नाही झाली पाहिजे, राईट? सो दॅट इज अ डेव्हिएशन. ओके, नॉट इन्फॉर्मिंग कोलॅबरेटर ऑफ युअर इंटेंट टू फाइल द पेटंट, जो मैंने आपको एक्झाम्पल दिया था. असं करायचं नाही, कोणाला न सांगता यू क्लेम दॅट यू आर द सोल इन्व्हेंटर, नो दॅट इज इनकरेक्ट. दिस इज व्हेरी कॉमन. मैं जब इंडिया में आया था तो ये आयटम मैंने नागपूर में बहुत देखा, इन्क्लुडिंग अ नेम ऑफ कलीग एज अन ऑथर इन रिटर्न फॉर फेवर. म्हणजे मैंने एक पेपर लिखा, मैंने राजेंद्र भाऊ का नाम डाला, उन्होंने एक लिखा, उन्होंने मेरा नाम डाला, दोनों के 2 पेपर हो गए. आता जे नवीन नियम आले आहेत ना, आता वेटेज इज ओनली फॉर द सोलो पर्पज, सोलो पेपर. ये ऐसा क्यों था? क्योंकि आपका कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बोला है साल में 2 पेपर लिख. अरे लिखता है ते करे भाऊ 2 पेपर, सगळे लोक कट अँड पेस्ट करून पब्लिश करतात. जेन्युइन क्वालिटी जी आहे ना, तुमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवली म्हणून तुम्ही ते पेपर मनाप्रमाणे लिहित नाही. म्हणून तुमको अगर बोला की अपने दिल से लिखो तो शायद 2-3 साल में एखादा पेपर आप लिख पाओगे. तो अभी ये भी रूल शायद अबॉलिश हो गया, अभी सोलो पेपर आएगा. देन डिस्कसिंग विथ युअर कलीग कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ पेपर दॅट मी ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडच्या 3 CSR जर्नलच्या एडिटोरियल बोर्डवर आहे. माझ्याकडे ॲब्स्ट्रॅक्ट येतात आधी समरी, मला ते आवडले की मी पेपर डाउनलोड करायचो. तर जेव्हा यंग होतो तर तेव्हा आपलं कॉफी हाऊस चालू होतं गोकुळपेठेतलं, तर मला तिकडच्या विद्यार्थ्यांचं आकर्षण होतं की ते कसा विचार करतात, ते कसं पेपर लिहितात, ते मी डिस्कस करायचो काही मित्रांसोबत. दॅट इज नॉट अलाउड, दॅट इज अनलेस अँड अंटील दॅट पेपर इज पब्लिश, आय ॲज अ रिव्ह्युअर शुड नॉट डिस्कस एनिथिंग आउट ऑफ इट. सो ते करणं बरोबर नाही.
यूजिंग डेटा आइडिया मेथड लर्न अबाउट वाइल रिव्यूइंग अ ग्रांट। कल अगर विपुल मिश्रा जी एखादी एजेंसी के रिव्यूअर बन गए और उनको एक प्रपोजल आया ग्रांट का, और वो पढ़ते पढ़ते उनको वो मेथड पता चल गई और उन्होंने वो मेथड अपने आप इस्तेमाल की, इट इज नॉट अलाउड। इट विल बी बेटर इफ दे साइट दैट दिस मेथड हैज बीन इंस्पायर्ड बाय सो एंड सो व्हाइल रिव्यूइंग द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट। देन ये साइंस के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रिमिंग डेटा आउटलायर्स। ओके, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको डेटा मिलता है इन्वर्टेड बेल कर्व में, उसमें डेटा में आपको दो टेल होती है, वन टेल और एक सेकंड टेल, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का टेल बोलते हैं। तो उसको वैसे ही रखो, कुछ उसके साथ करो मत, जो होगा वैसे। कई बार साइंस के लोगों को मैंने देखा है, दे डू लॉट ऑफ थिंग फॉर डेटा एडजस्टमेंट, तसं करायचं नाही, जसं आहे तसंच्या तसं टाका, बाद में देखा जाएगा उसको जस्टिफाय कैसे करना। दिस वन एवरीबडी शुड बी वेरी वेरी केअरफुल, हा महत्वाचा पॉइंट आहे। Using inappropriate statistical technique to enhance the significance of your research. आपने hypothesis रखे है, आपको मालूम है कि मेरे को इसको प्रूव करना ही है, तो आपने inappropriate technique का इस्तेमाल किया, म्हणजे त्या डेटाला जी टेस्ट लावायला हवी होती ती न लावता तुम्ही तुमच्या बायसची टेस्ट लावली आणि तुमच्या हायपोथिसिसला ॲक्सेप्ट करून खूप मोठा सिग्निफिकन्स दाखवला। आता प्रश्न येतो, सर ये कैसे पता चलेगा? हा पता चलता ये, 10 में से 2-3 केस में पता चलता है, बट 7-8 केसेस ऐसी निकल जाती है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा, कैसी टेस्ट क्या करना, आपको इसका सोल्यूशन मैं आज ही दे दूंगा। बायपासिंग द पीयर रिव्यू यही केलं पाहिजे, पीयर रिव्यू। हाँ, अब एक और केस हुई थी, ये यूनिवर्सिटी की केस है, वाइवा चल रहा था, पता नहीं कौन सा टॉपिक था, याद नहीं, वो एक्सटर्नल ने बिब्लियोग्राफी खोला और कुछ नाम देखे और फिर वो लिटरेचर रिव्यू में गया, तो वो कैंडिडेट ने जो लिटरेचर रिव्यू में नाम डाले थे, से फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में डाले होंगे मोनिका काटे 2008, तो उसको बिब्लियोग्राफी में वो दिखा दी, तो एग्जामिनर का ऐसा पारा वाढला, यंग था वो और गुस्से में आ गया, बोले स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ, ये क्यों नहीं डाला, बोले। अब सबके चेहरे लाल हो गए, वो वाइवा वहीं रुक गया, फिर वो थोड़ा समझा समझा के लग, ही चूक असते बर का, चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू मध्ये जे जे काही टाकाल तुम्ही त्याचे रेफरन्स सरळ सरळ बिब्लियोग्राफी मध्ये गेले की नाही हे 10 वेळा तपासा बर का, किती अनैतिकतेची चूक आहे ती, तुमचा इग्नोरन्स आहेच आहे, पण तो जो 12-13 पानाचा चॅप्टर राहील ना लिटरेचर रिव्ह्यू, त्या जेवढ्या लोकांना तुम्ही साईट कराल, किंवा काल जे आपण थेरॉटिकल फ्रेमवर्क बनवलो ना, हे सगळ्यांची नावं मागे बिब्लियोग्राफीमध्ये गेली पाहिजे न चुकता, अदरवाईज इट इज अ ब्रेक ऑफ ब्रीच ऑफ इथिकल प्रिन्सिपल। जब हम ग्रांट के लिए अप्लाय करते हैं तो कई बार लोग झूठ लिखते हैं उसमें कि मेरा प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ऐसा मत करो। मैं ये नहीं बोलता कि कुछ मत करो, रैशनल रहा, खूब ओवर ऑप्टिमिस्टिक नका रहो, आणि तुमच्या जॉब अप्लिकेशन वर सुद्धा तुम जो रेज्यूमे या सीवी बनाते हैं उसके ऊपर झूठ मत लिखो। तुमने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, रिटायरमेंट के 10 दिन पहले किसको पता चला इनके बायोडाटा में झूठ है, राज्यपाल को कंप्लेंट किया उसने, तो इसने छुट्टी ले ली वीसी ने, और 10 दिन में रिटायर्ड हो गया, तो वो मामला दब गया। काय होतं, तुम्ही मोठ्या पदावर गेले आणि तुम्ही जर तुमच्या सीवी मध्ये खोटं लिहिलं ना, तर एक तर तुमचे शत्रू खूप असतात आणि तुमची सगळी माहिती माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातनं काढता येईल, त्याच्यामुळे काहीही करायचं नाही। जो सच है वही डालो, भले काम नहीं मिला तो चलेगा, झूठ का सहारा मत लो रे बाबा, झूठ बहुत महंगा पड़ता है। अशा आता बऱ्याच केसेस झाल्यात आपल्या भारतामध्ये, हे मोठ्या पदावर बसणारे, तुम्हाला माहिती आहे का, मी त्या दिवशी एकदा बातमी वाचत होतो, आपले ते मराठी आहेत कुलकर्णी म्हणून, गुजरातच्या कोणत्या तरी विद्यापीठातले कुलगुरू आहेत ते, त्यांना काहीतरी कोणीतरी असंच बसवून दिलं कुलगुरू म्हणून, एक टर्म झाली बरं का त्यांची, कुलकर्णी आय होप ही इज मराठी अनलेस ही इज अ गुजराती,
मग त्यांना एक्सटेन्शन दिले 3 वर्षाचं, तर मग कोणीतरी डायरेक्ट राष्ट्रपतींना तक्रार केली, कारण गुजरातचे राज्यपालही ऐकत नव्हते, तो डायरेक्ट राष्ट्रपती के पास गया. मग त्यांनी सगळे कायदे, मग राष्ट्रपतींनी UGCला पाठवलं होतं, ये क्या मॅटर आहे, UGCने इन्व्हेस्टिगेट केलं तर कुलकर्णी साहेब को ICE 5 साल फुकट में बिठा कर नॉन क्वालिफाइड पर्सन. ही आत्ता मागच्या आठवड्यातली बातमी आहे, मी गुजरातच्या पेपरमध्ये वाचली. सेटिंग आणि आजकाल हेच झालं आहे साहेब, प्रत्येक विद्यापीठात राजकारण आलेलं आहे, त्यामुळे तो तुमचा लुकआउट आहे, तुम्हाला कुठपर्यंत जायचं आहे आणि सरळ जा, सरळ लोकांना त्रास होतो हेही लक्षात ठेवा, शॉर्टकट मारणारे खूप वर जातात हेही लक्षात ठेवा, तुम्हाला कोणता रस्ता निवडायचा आहे तर तुमच्यावर डिपेंडंट आहे. हां, हे कामाचं नाही आहे तुमच्या, हां म्हणजे तुम्ही जेव्हा गाईड व्हाल ना तर 2 मुलांना सेम रिसर्च देऊ नका, तर ते PhD मध्ये होत नाही म्हणा. हां, ओव्हर वर्किंग निग्लेक्टिंग ऑन एक्सपर्टिंग डॉक्टरल ऑर ग्रॅज्युएट स्टुडंट, एका पुण्यातल्या विद्यार्थ्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये आत्महत्या केली होती बरं का, PhD स्टुडंटनी, त्याचा गाईड त्याला घरी शनिवार रविवार गवत कापायचं, लॉन्ड्री घेऊन जायची, इस्त्री करून आणायची, असे खूप कामं करावं लागतात बरं का तिकडे, जगात सगळीकडे. नेहा, दुनिया में सब जगह PhD कैंडिडेट को बहुत रगड़ लेते हैं, अपने यहाँ शायद हो सकता है पॉकेट वॉकेट से काम चलता होगा कहीं पे, बट आप जब गाइड बनोगे आप कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, आप मुझसे वादा करो मिठाई का एक पैकेट भी नहीं लोगे, ना ही उसको आपके पाँव छूने दोगे. है ऐसे भी लोग नागपुर में मैंने देखे है. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेलिंग टू कीप टच रिकॉर्ड, आपका जिस दिन वाइवा हो जाएगा उस दिन बबल रैप लाने का, आपके प्रेजेंटेशन का PPT, आपका ऑल डेटा वर्ड और PDF में एक पेन ड्राइव लेने का छोटा सा 1 GB का, और बबल रैप में आपका सिनॉप्सिस, आपका ये डेटा और आपका थीसिस, और आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी CD या पेन ड्राइव, इसको माले पे रख देना है, कहीं अलमारी में रख देना. लॉ सेज दॅट 10 वर्षापर्यंत तुमचा रेकॉर्ड इंटॅक्ट राहिला पाहिजे बरं का, कल अगर किसीने ऑब्जेक्शन लिया तो आपको डेटा देना नाही, इट शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज पेपर फॉर्म. काही एजन्सी तुम्ही जेव्हा रिसर्च करता ना ते सांगतात की 3 वर्षापर्यंत ठेवा, 5 ते सांगतात, तर तोपर्यंत ठेवायचा, नाही तर परमनंटली ठेवा. इवन PhD डेटा ऑल्सो ये लिखा आहे, फेलिंग टू मेंटेन रिसर्च डेटा फॉर अ रिजनेबल पिरियड ऑफ टाइम, आपको हर डेटा, आप मेरी बात सुनो तो 5 वर्ष तो ठेवाच. आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, हार्ड ड्राइव खराब हो सकता है, पेन ड्राइव खराब हो सकता है, एक ईमेल करो, मैं मेरी टेक्निक आपको बताता हूँ, आज रात को एक खुद का ईमेल एड्रेस बनाओ जीमेल पे. त्याचं काम फक्त डेटा स्टोरेज साठी, इथे स्वतःला ईमेल करून तर क्लाउड मध्ये स्टोअर करून ठेवायचा, म्हणजे तुम्ही जगात कुठेही असले तर तुम्हाला ईमेल वरन तो क्रिटिकल डेटा मिळेल, कारण पेन ड्राइव चोरी हो सकता है, चूहा पेपर खा सकता, आग लग सकती, कुछ भी हो सकता. तो हम लोग एक ऐसा ईमेल एड्रेस है 2-3 वहाँ पे डंप करते रहते हैं, सो दैट कल अगर हार्ड डिस्क भी उड़ गई, पेन ड्राइव भी खराब हो गया, तो डेटा अपने को क्लाउड में से अपना मिल जाएंगे, एवढं लक्षात ठेवा. देन हे महत्वाचं आहे रे बाबा, आता अभी हिंदी वो जब भी मैडम ने बोला समझ में नहीं आ रहा, कई यूनिवर्सिटियों में महाराष्ट्र में ये हुआ है, मेरे को नागपुर की बात मालूम नहीं, आपके थीसिस के पीछे आपका सिनॉप्सिस बाइंडिंग करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पहले चेक करेगा कि उस सिनॉप्सिस में क्या किया, थीसिस में क्या किया, अगर उसमें डेविएशन आया तो पूरा थीसिस रीराइट करना पड़ेगा, सिनॉप्सिस नहीं. डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर सिनॉप्सिस, डू नॉट जो आपने लिखा है वैसा ही करो, जो भी होगा देखा जाएगा, राइट. जब प्रोफेशनल रिसर्च करोगे जो मेथड डाला है उसी मेथड को स्टिक करो, आप डेविएट हो गए तो नंबर 1 अनइथिकल, नंबर 2 फिर से काम करना पड़ेगा. चोरी, किसी के किताब डेटा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, किसी डेटा की कॉपी, कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉपी है, आपको मजाक बताता हूँ, एक बार हमने काम किया गवर्नमेंट के लिए और डेटा एनालिस किया, बहुत एक एजेंट मतलब एक एजेंट बोले तो क्या, उसकी एजेंसी है डेटा एनालिसिस की, SPSS की, बहुत पैसे वैसे दिए, बिल विल लिया, सब हो गया. 3 महीने बाद हमको फोन आया, वो SPSS की दो,
होगा बोला, हमने उसको फोन किया, भाऊ की दे तेरे एसपीएसएस की गवर्नमेंट मांग रही है, वो बोले पायरेटेड है, क्रैक किया हुआ है। हमने बता दिया उनको, हमने बोला ये पायरेटेड है, वो बोले गलत। मतलब क्या हुआ, बोले ऐसा नहीं चलेगा, आप पूरा डेटा लेके पुनः आओ, हमारा एक आदमी है वो आपको एसपीएसएस में फिर से एनालिसिस करके देगा। तेव्हापासून कानाला खडा लावला, जे काही तुम्ही गव्हर्नमेंटचे कामं करतात ना, पहिले जाऊन त्याला म्हणायचं एसपीएसएस आपण स्टॅटिस्टिकल के लिए यूज करते, अभी युनिव्हर्सिटी में है, हाँ अपने नागपूर हर युनिव्हर्सिटी में उसकी कॉपी है, बट ये बाकी जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं ना वो इल्लीगल कॉपी रखते हैं। अब हम सबसे पहले बोलते हैं बता तेरी की कितनी जेन्यून है, भले तू 2000 रुपये ज़्यादा ले और हमारा काम कर दे। तुझे इवन अभी हमने जब माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया था ना, तो सबसे पहले लेजिटिमेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेजिटिमेट विंडो, वो लैपटॉप लिया था हमने, हमको काम मिला नहीं, वो बात अलग है। टू शुड नॉट इवन कॉपी और डू था, अपन सदा करतो, अपने देश में क्या चलता है देख लेंगे वाला हिसाब है, पण या नैतिकतेच्या खूप उच्च कोटीच्या सीमा आहेत या। हाँ, जो लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं फार्मास्यूटिकल वाले ड्रग का, वो उसका सिग्निफिकेंस बहुत बता देते हैं। जैसे कल अपन ने बात की थी ना, वो स्पुटनिक एफिकेसी 90% भी रियली डोंट नो, हाँ बट वो सैंपल पे जो हुआ है उसके ऊपर से वो क्लेम कर रहे हैं। तो कई बार लोग बहुत हाई एस्टिमेट करते हैं, दैट इज अनइथिकल। हे या सगळ्या पीपीटीचं महत्त्वाचं आहे, याच्यावर तुम्हाला प्रश्न येईल, आता हे नीट समजून घ्या बरं का। चलो हिंदी में बोलता हूँ, वो मॅडम कोणी समजेल। अब टाइटल क्या है इसका, फेल्यूर ऑफ द डिजाइन, मतलब आपका डिजाइन ही गलत हुआ। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कैसे पता चलेगा, अब उसका टेंशन मत लो। अगर अगर अभी ध्यान से सुनो, ये बोर्ड में लिखा है, अगर आपके डिजाइन में टाइप टू एरर आती है तो कहीं ना कहीं आपके डिजाइन में प्रॉब्लम है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वो कब पता चलेगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 बोलते और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 बोलते, तो क्या होता है, मेरा नल हाइपोथेसिस ये इनफैक्ट गलत है बट उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाई उससे मेरा H0 जो गलत था वो एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि मेरी टेस्ट अलग थी या मेरे डिजाइन में फ्लॉ था। तो अब इससे दो चीजें बाहर आती है, आपने H0 को रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि जेन्युइनली वो करेक्ट है, या आपने जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाई उसकी पावर इनएडिक्वेट है। आता सगळ्यात पहिला प्रश्न पोटी विचारते, सर जी ये मास्तरले कसं कळेल का आपल्याकडे टाइप 2 झालाय, मास्टर को 99% नहीं समझेगा, अनलेस वो कीड़ा होगा या उसने बहुत अंदर जाके आपका डेटा देखा होगा और उसने ठान लिया होगा कि यार मैं चेक करता हूँ इसका नल क्यों एक्सेप्ट हो गया। 99% चांसेस नहीं है पीएचडी के लिए, बट अगर आप बाहर का काम करोगे ना तो फिर आपको पैसे देने वाले पीछे क्या क्या करते हैं आपको मालूम नहीं, वो छानबीन होते आपके काम की, प्लैगरिज्म किया है क्या, ये किया है क्या, वो किया है क्या। तो लक्षात ठेवा, टाइप टू एररला अनइथिकल म्हणतात। आता तुम्ही म्हणाल सर हे जानबूझ के होता है क्या, नहीं, ये ऑनेस्ट मिस्टेक है ये, क्योंकि रिसर्चर को ही पता नहीं है क्या हो रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन दो है, एक आपके रिसर्च डिजाइन में गड़बड़ है जो कि चांसेस कम है, आप अगर मुझे मी तज्ञ नहीं बर का, माझ्यापेक्षा अनेक तज्ञ लोक जगात आहेत, पण तरी मी माझ्या अनुभवाने सांगतो 30% चान्स आहे की चुकीच्या डिझाईनमुळे तुमचा टाइप 2 एरर होतो। माय गट फीलिंग इज दॅट 70% इज अ चान्स बिकॉज यू अप्लाय द रॉंग टेस्ट टू द रॉंग डेटा। आय बिलीव इन दॅट बिकॉज डिझाईन कॅन बी फॅक्टर, आय डोंट डिनाय दॅट, बट आय एम मोर कन्सिडरेट ऑन दिस। राहील का बाबांनो लक्षात, टाइप टू एरर, मराठी में सांगतो टाइप टू एरर म्हणजे काय, तुमचा नल हायपोथेसिस हा चुकीचा आहे, फॉल्स, पण तो ऍक्सेप्ट झाला। त्याचे दोन कारण, एक म्हणजे तुमचं डिझाईन चुकीचं आहे किंवा तुम्ही त्या डेटाला चुकीची टेस्ट लावली, हे कृपा करून लक्षात ठेवा, परीक्षेत विचारण्यात येईल।
आपल्या थीसिस मध्ये होतं की नाही याच्यावर तुम्हाला खूप विचार करावा लागेल. ती आत्ताची वेळ नाही, त्याचं टेन्शन घेऊ नका. अब आते पब्लिश, रिसर्च पब्लिकेशन. आप पेपर लिखते हो करियर प्रोग्रेशन के लिए, ग्रांट मिलने के लिए, आपका टेन्यूअर बढ़ने के लिए, और आपका नाम कम्युनिटी में, एकेडमिक पीयर कम्युनिटी में भी, हाँ ये चांगले पेपर वगैरह लिखता. सो व्हाइल राइटिंग अ थीसिस एंड राइटिंग अ रिसर्च पेपर, वन शुड नॉट चीट, फॉल्सिफाई द डेटा, वन शुड नॉट प्लेगराइज. कट पेस्ट करून कोणाचा माल घ्यायचा नाही. प्लॅगरिझम मतलब टेकिंग समबडीज वर्क अँड क्लेमिंग ॲज युअर ओन. सो हम काही ना काही करते है, इवन आयडिया. से फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम टेकिंग कॉफी विथ बलजीत जी टुडे अँड आय एम गेटिंग एन आयडिया, और वो आयडिया के ऊपर मैंने एक पेपर पब्लिश किया, तो मैं नीचे साइट करूंगा व्हाइल हैविंग अ कॉफी विथ मिस बलजीत इन नागपूर. असं लोक आता साइटेशन करते हैं. आपका कुछ भी नहीं है, ऑल आइडिया यू टेक इज फ्रॉम अदर. इट इज अप टू यू वेदर यू साइट देम और नॉट. इफ यू साइट देम यू आर मोर इथिकल, इफ यू डोंट साइट देम इट इज ऑल राइट, नोबडी विल कॉल यू अनइथिकल. बट ओरिजिनल सोर्स, वो आइडिया एक एक पेपर में आया था, एक ने लिखा था राइजिंग सन को उसने एट्रीब्यूट किया था, बोले मैं सनराइज देखते समय ये आइडिया आई, साइट पेपर में लिखा उसने, रिसर्च पेपर में. दिस आइडिया केम टू ऑथर्स माइंड व्हाइल वॉचिंग सनराइज ऑन फलाना फलाना डे 6:30 AM वॉट एवर फलाना प्लेस. यू कैन साइट दैट, लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली. आई रियली अप्रिशिएट व्हेन समबडी साइट समथिंग, जो आपका इंस्पिरेशन है वो. वी डोंट इवन नो द ओरिजिनल सोर्स. कई बार से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पूछा कि गांधी जी का मर्डर हुआ 48 में, ये हम सबको मालूम है 31 जनवरी, पर ये सबसे पहले कहाँ छपा था? फिर आप बोलोगे सर ये तो पेपर में छपना चाहिए, क्योंकि उस टाइम टीवी वगैरह उतना था नहीं, दिल्ली के पेपरों में छपाऊंगा, फिर हिस्ट्री के पेपरों में छपाऊंगा, फिर अपन ने अपने हिस्ट्री के किताब में स्कूल में पढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह. तो क्या होता है ये, इवन फॉर दैट मैटर नेताजी ने जो बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सबसे पहले कहाँ छपा था, किसने सुना था? तो क्या होता है, ये पब्लिक नॉलेज, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये पब्लिक नॉलेज है. जेएफ केनेडी का असैसिनेशन, राजीव गांधी का असैसिनेशन, ये पब्लिक डोमेन है. तो इसका ओरिजिनल सोर्स हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है ये सत्य है. बट तो वैसे ही रिसर्च करते समय, स्पेशली आप हिस्ट्री लिटरेचर के जो लोग हैं ना, आपको ओरिजिनल सोर्स तक जाने की गुंजाइश रखनी है, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लैगरिज्म इज बेसिकली स्टीलिंग, चोरी करना है उसका सीधा सीधा. समटाइम वी कॉपी द टेक्स्ट वर्ड फ्रॉम अ बुक और आर्टिकल, प्रिटेंड दैट ही इज द ऑथर. वॉट एवर यू टेक इट, साइट करूंगा त्याला, काही फरक पडत नाही. मी आता गंमत तुम्हाला सांगतो, मी यवतमाळचा एक जो रिपोर्ट बनवला ना, त्याच्यात एक मॅप होता, त्याला मी साइट केलं, तो मॅप मी कुठून घेतला? मग मला एक दिवस त्या असिस्टंटचा फोन आला, सर या मॅपमध्ये चुका आहे. खबर काय झालं? तो म्हणे असं 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 चुका आहे. म्हटलं ओके, मी या साईटवरनं घेतलाय, म्हटलं काय करू, अमेंड करू, नवीन मॅप टाकू, तुम्ही सांगा. नाही नाही म्हणे, तुम्ही साईट केल्या आणि त्याला जाऊ द्या म्हणे, काही प्रॉब्लेम नाही. मला वाटलं तुम्ही ही चूक केली. म्हटलं बाबा मला मॅप बनवता येत नाही, मी जिथून घेतलाय गव्हर्नमेंट वेबसाईट तिथे टाकला, आता महाराष्ट्र सरकारची चूक आहे तर तुम्ही सांगा मी या चुकीला काय करू. ऑलवेज मेकिंग अ साइटेशन सेव यू. अगर आपसे कोई गलत चीज भी अगर लिखी गई है ना, तो बिकॉज ऑफ साइटेशन आप बच जाते हो कि आपने जानबूझ के ये लिखा. अगर मैंने उसको क्लेम किया हाँ ये मैंने बनाया, बोले ना चल बेटा इसको दुरुस्त कर, राइट? सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो जो पेपर होते हैं ऑनलाइन, कुछ यूनिवर्सिटी $1-2 में बेचती है, उसको हम खरीद के उसमें से लेते हैं. नो, वी शुड नॉट डू एनीथिंग ऑफ सच नेचर, राइट? अब ध्यान रखिए, आपके थीसिस में जितना भी स्टेटिस्टिक्स वापरेंगे, जितने भी ग्राफ वापरेंगे, जितने भी टेबल, जितने भी नंबर, सबको रेफरेंस होना चाहिए. ये राजेंद्र और वो जो भी था दूसरे मत्ते साहब, तुमच्या थेरोटिकल एंड कंसेप्चुअल के नीचे सोर्स ऑथर,
आपका नाम मतलब ऑथर लिखना है, सिर्फ सोर्स लिखना है, वो थेरोटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वैसे के वैसे नहीं, नीचे सोर्स लिखने का, राइट? सो ऑलवेज हैव दी सोर्स. देन आता काय होतं, कोट, सिंगल कोट आणि डबल कोट. अगर मैं किताब में से कोई कोट ले रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, मैंने ले लिया, एखादे टेक्स्ट में कुछ है जो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा है, मैंने एज इट इज ले लिया, नो प्रॉब्लम, राइट? बट अगर हमने उसको कोटेशन में नहीं डाला तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा वाक्य हो जाएगा और आई विल बी एक्यूज टू द प्लैगरिज्म. कई बार मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं, सर हमारा पेपर में बहुत सारी चीजें आ रही है अलग अलग रंग से, प्लैगरिज्म से, तो एक उसका रीजन है. देन पैराफ्रेजिंग काय होतं, समजा डायरेक्ट कोट काहीतरी आहे पण तुम्ही त्याला आपल्या हिशोबाने घुमवला, त्याला पॅराफ्रेजिंग मतलब अपने हिसाब से. इट इज ऑफन प्रिफरेबल टू टेक डाउन द सबस्टन्स ऑफ एन ऑथर्स आयडिया इन युअर ओन वर्ड, दॅट इज कॉल्ड एज पॅराफ्रेजिंग. सो अगर मैंने कुछ बोला तो आपने मेरा सुन के अपने हिसाब से उसको लिखा. द ग्रेटर पार्ट ऑफ युअर पेपर और रिसर्च शुड बी इन युअर ओन वर्ड विथ अप्रोप्रिएट डॉक्युमेंटेशन ऑफ द आयडियाज ऑफ अदर. त्याला स्वतःहून लिहिणं म्हणतात. मी भोपाळला आता मध्ये जायचो, आता गेलो नाही 2-3 वर्ष, भोपाळला कोणत्या तरी एक सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचं काहीतरी आहे, वो मेरे को 6 दिन रिसर्च पढाने बुलाते, 6 दिन मंडे टू फ्रायडे, और वहां पे लोग हिंदी में करते रिसर्च, तो मेरे को हिंदी बोलना पड़ता और 22-23 ही लड़के रहते, एकदम चकाचक कमरा, एसी, खाना पीना सब, गेस्ट हाउस बहुत कामयाब सरकारी है, और वो बोलते कि सर इनको एकदम टाइट करो. तो मैं क्या करता हूँ, पहले दिन थोड़ा टाइम लगता है दोस्ती होने, दूसरे तीसरे दिन दोस्ती हो गई ना, चौथे दिन उनको बोलता हूँ ये ब्लैंक पेपर है, इसके ऊपर आपके रिसर्च का आपके हिसाब से एक पन्ना मेरे को लिख के दो. सगळे घाबरून जातात. स्वतः लिहिणं ही खूप मोठी कला आहे. तुम्ही केव्हा लिहू शकाल हो, जेव्हा तुमच्या डोक्यात काही असेल तेव्हा ते तुमच्या कलमातून उतरेल ना पेपरवर. जब ये 1500-1500 पन्ने के थीसिस लोक लेके आते, मला त्यांना साष्टांग दंडवत द्यावा असा वाटतो, बाबा एवढं लिहिलं तू. तो लक्षात ठेवा, स्वतःच्या यांनी लिहा, पॅराफ्रेज करून द्या आणि सेम डायरेक्ट कोटेशन तसंच द्या विथ सायटेशन, साईट करणं चालू करो. कई बार प्लैगरिज्म ये इंटेंशनल नहीं होता है, हमसे गलती होती है, हो सकता है आपकी मनीषा नहीं हो चीटिंग करने की, पर आपसे वो गलती हो गई और अभी वो चीटिंग के मामले में आ गई है, राइट? सो ये गलतियों को भी अवॉइड करो, राइट? हमने कहीं और से मान लो, अब देखो कैसा होता है, देयर इज अ ऑथर ए, मैंने ऑथर ए से कुछ लिया और मेरे काम में साइट किया. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑथर ए ने किसी ऑथर बी से कॉपी करके लाया था, वो मेरे को मालूम नहीं कि उसने सच बोला झूठ बोला, कॉपी किया, मैंने सिर्फ ए को लेके मैंने साइट किया. तो अगर ए गलत है तो मैं भी गलत हूं, पर मैंने साइट किया तो मैं उससे बच सकता हूं. पर अगर मैंने ऑथर ए का लेके साइटेशन नहीं डाला है तो फल मेरे को भी बोलेंगे तू भी गलत है करके. सो ऑलवेज मेक श्योर वॉट एवर यू टेक फ्रॉम विच एवर सोर्स इज पैराफ्रेज एंड प्रॉपरली साइटेड. उसमें फायदा ये होगा, अगर वो गलत या मिसरिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके ऊपर बंदूक नहीं लगेगी, आप बच जाओगे, एंड दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन रिसर्च एज फार एज इथिक्स इज कंसर्न. सो दैट इज नॉट इंजन. देन पब्लिक नॉलेज. अब कई बार हम सबको मालूम है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, तो आपको उसके लिए स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है. अगर आपने आपके थीसिस में लिखा कि गांधी वॉज असैसिनेटेड 1940, तो आपको रेफरेंस और साइटेशन देने की जरूरत नहीं है. बट ये कॉमन नॉलेज है और ये पब्लिक डोमेन में है, इट नीड नॉट बी साइटेड. बट अगर आप कोई हिस्टोरियन का थीसिस देख रहे हो जिसने लिखा कि गांधी वॉज किल्ड बाय नाइफ एंड नॉट बाय बुलेट, देन देयर इज अ साइटेशन रिक्वायर्ड. आपल्याला माहिती आहे गांधींना बंदुकीच्या गोळ्या लागल्या, पण तुम्ही म्हणताय हा ऑथर की त्याला चाकूनी मारलं, मग सायटेशन द्यावं लागेल, कारण तुम्हाला माहीत नाही, यू डोंट नो व्हॉट इज ॲक्च्युअल ग्राउंड रियालिटी, है ना? सो वो जरूरी. देन मेडिकल रिसर्च. इथिकल कन्सिडरेशन्स आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च, बट दे आर फोर ग्राउंडेड वेन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च आर ह्यूमन अँड ॲनिमल.
जो कल मैंने आपको इथिक्स बोला था वो फ्लो चार्ट में, राइट। सो कभी भी फार्माकोलॉजी वाले लोग या मेडिसिन कंपनी वाले, ड्रग कंपनी वाले लोग जब पेशेंट पे एनिमल पे ट्रायल लेते हैं तो एनिमल का तो कंसेंट ले ही नहीं सकते, बट पेशेंट का ट्रायल, उनकी प्राइवेसी, उनका डेटा, ये सब इंपैक्ट करना, ये इथिकल प्रिंसिपल बताते हैं। सो रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट, मेडिकल, सोशल, बिहेवियरल साइंस पजेसेस अ कॉम्प्लेक्स इशू। अभी हम भी जब फील्ड में जाते हैं ना सोशल, तो जनरली गांव वालों को मालूम नहीं रहता काय की जानकारी ले रहे, क्यों ले रहे, बट वो जानकारी वही तक ही सीमित रखनी है। मेरे को उसको गांव भर नहीं पब्लिश करना है, बिकॉज इट विल बी बियॉन्ड दिस पेरिकल बाउंड्रीज, दैट इज ओनली लिमिटेड टू दैट स्पीयर ऑफ दिस सोसाइटी इन दैट पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टेरेन, राइट। सो इट रिक्वायर्स अ केयरफुल थॉट एंड कंसिडरेशन ऑन बोथ द पार्ट ऑफ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, मतलब आप जिनसे डेटा ले रहे हो और आप खुद एज ए रिसर्चर, राइट। ऑल पार्टिसिपेंट शुड बी गिवन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल रिस्क एंड पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट टू मेक इन्फॉर्म। जब कोई क्लिनिकल ट्रायल होती है ड्रग की, स्टेज वन कैंसर, स्टेज टू, तो सगळं रिस्क आणि बेनिफिट दोन्ही सांगितलं पाहिजे। जस्ट टेलिंग द बेनिफिट इन नॉट टेलिंग द रिस्क इज अनइथिकल, द पेशंट मे डाय, राइट। सो why you are doing that particular research, are you giving access to participant privacy, are you getting the informed consent from the participant, are you telling them about the potential harm, hai na, ye sagle ethical issue tacha madhe yetat ki kharach he research karaychi garaj hai ka, tyache harm apan tyanna sangto hai ka, vagre vagre। ab ye doctor Wang the, ye Korea ke hero the। फेब्रुवरी 2004 में उन्होंने क्लेम किया कि इनके टीम ने 30 क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियोज बनाए, एंड ही सेड दैट दे मेड इट फ्रॉम द स्टेम सेल लाइंस ऑफ स्किन सेल्स ऑफ 11 पीपल, ओके। 2004 में वो रातों रात हीरो बन गए थे ये डॉक्टर साहब कोरिया के, बट एक साल बाद पता चला कि ये एक्चुअली स्किन सेल से बनाए गए थे 11 लोगों के। तो नवंबर में डॉक्टर वांग ने अपोलॉजी मांगी इसलिए फॉर यूजिंग द एग्स फ्रॉम हिज ओन रिसर्चर। देन इन डिसंबर 2005 अ कलीग क्लेम दैट द स्टेम सेल रिसर्च वॉज फेक, एंड द एकेडमिक पैनल फाउंड दैट ऑल द डेटा वॉज फैब्रिकेटेड इंटेंशनली। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ साइंस के लोगों से मेरे को ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि लेबोरेटरी में वो अकेले ही रहते हैं, वो सब कुछ अकेले ही करते हैं, तो फेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं अगर शॉर्टकट लेना है तो। सब लोग नहीं ऐसा करते। सो अल्टीमेटली दी साउथ कोरिया रिसर्च वॉज फेक, ही वॉज हेल्ड एज अ हीरो इन साउथ कोरिया, राइट। बट देन आफ्टर यू नो अ ईयर ओनली it knew that it was fabricated, and this was a serious wrongdoing that has damaged the foundation of science। so isliye research karte samay ethical principle have to be followed, while writing and publishing the research ethical principle has to be followed, and in overall sphere of our life the ethical principle has to be followed। so अभी हमारे पास 8 मिनट का समय है, आपको अगर कोई भी सवाल होगा तो डेफिनेटली मुझे पूछिए, इवन इथिक्स पे होगा या बाकी 3 सेशंस पे होगा, अवश्य विचार। डाउट क्लियर कर लो, डोंट अज्यूम एनीथिंग। है क्या कुछ डाउट्स, कुछ क्लियर करना है? सर प्लॅगियरिझम मध्ये तुमचा आवाज कटतो जरा, त्या जरी आपण कोट केल्या तर त्या मग प्लॅगियरिझम मध्येच दाखवतात, तर मग ते कसं मॅनेज सर?
तुम्ही जेव्हा काही कोट करता ना त्याला सायटेशन मध्ये टाका आणि जसं कोट केलंय ते समजा सिंगल कोट मध्ये असेल तर सिंगल कोट मध्ये ठेवा, डबल असेल तर डबल ठेवा आणि जिथून घेतलाय त्याला साइट करायचं। और मैं आपको साइटेशन की नई टेक्निक बताता हूँ। साइटेशन की नई टेक्निक क्या होती है? हाँ साइटेशन की आप इट्स हाँ बोला सर द वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। हाँ नहीं उनका आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप बोला हेलो सर तुमचा आवाज येतोय तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं त्यांचा त्या मोनिका काटेंचा आवाज खूप कट होता। तुम्हाला उत्तर मिळालं का माझं मी जे म्हणत होतो? येस सर पण एकदा साइटेशन एकदा सांगा पुन्हा। हाँ हे बघा तुम्ही जिथून तो कोट घेत आहात तो सिंगल कोट असेल किंवा डबल कोट ऍज इट इज घ्यायचा आणि त्याला खाली साइट करायचं। त्याला फुटनोट मध्ये साइटेशन टाकायचं। मी फुटनोट याच्या करता म्हणतोय कारण फुटनोट साइटेशंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सो वहीं के वहीं उसको रेफरेंस मिलता है कि यहाँ से लिए। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ वो कैसा करना। सपोज आप वो ऑनलाइन जर्नल से ले रहे होंगे और वो पीडीएफ फाइल होगी तो ब्राउजर के जहाँ पे यूआरएल रहता तिथे माउस क्लिक करायचा, राइट क्लिक करायचं आणि आपल्या वर्ड मध्ये पेस्ट करून एंटर करायचं की त्याची हायपरलिंक तयार होते पीडीएफची असते ती। आणि ती तुम्ही त्या वर्डला पीडीएफ जरी केला तरी ती ऍज इट इज ओपन होते। सो अगर उसको क्रॉस चेक करना है ना तो वो तुरंत क्रॉस चेक कर सकता है। सो ऑलवेज यूज दी हायपर लिंक फॉर साइटेशन वेर एवर अप्लिकेबल। मी हे नाही म्हणत आहे बरं का, काही साइटेशनचे फॉर्मॅट हे जर्नलचे आणि पीएचडी थीसिसचे हे स्ट्रिंजंटली फॉलो करावे लागतात। पण इथे तुमचा प्रश्न येतोय माझ्या रिसर्च पेपरमध्ये प्लॅगरिझम मध्ये येत आहे ते अवॉइड करण्यासाठी हे साइटेशन फॉर्मॅट्स आर अलाउड, ऍब्सोल्युटली अलाउड। सर गूगल स्कॉलर थैंक यू सर वहां पे साइट का ऑप्शन रहता है वहां से भी पिकअप करके यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो हाइपर लिंक में ही होना चाहिए। अगर वो हाइपर लिंक में पेस्ट हो रहा है ना तो वो लिंक कोई भी क्लिक करके उसको डबल वेरीफाई कर सकता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं अपने बिब्लियोग्राफी में वो पूरा जर्नल का नाम डबल कोट इटैलिक्स कॉमा ये डाल के अब किसको फुर्सत है वो चेक करने की। तो अभी जो नया सिस्टम मैं देख रहा हूँ ना वो बोलते हैं सब मत करो, अगर वो ऑनलाइन है उसका पीडीएफ लिंक डाल दो सीधा सीधा, जिसको चेक करना है वो तुरंत चेक करेगा तो उससे चेकिंग बढ़ रहा है। सर सॉफ्टवेयर तो इस केस में डालने पड़ेंगे। हाँ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे आप सर। ह्या केस मध्ये म्हणजे दोन्ही टाईपने हे रेफरन्सेस टाकावे लागतील, एक तर म्हणजे पीडीएफ म्हणजे हायपर लिंक आणि दुसरं आपलं नॉर्मल बिब्लियोग्राफी। उत्तम हां उत्तम। ते जास्ती सेफ राहील। ते आपण आपलं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तिथे प्लॅगरिझम मध्ये सापडायचं नाही त्याच्यामुळे ती आपल्याला हायपर लिंक टाकणं आवश्यक आहे। पण मागे प्रॉपर रेफरन्स किंवा बिब्लियोग्राफी जे काही असेल तिथे प्रॉपर सायटेशन इज मोस्ट वेलकम आहे ना। बरेचदा काय होतं आपण एखादी गोष्ट एखाद्यातनं घेतो, माझ्या बाबत ते फार होतं आणि मला खूप मग कंटाळा येतो की मग याचे 10 लोकांचे 10 टाका। तर आम्ही काय करतो जिथे परमिशन आहे ना तिथे डायरेक्ट हायपर लिंक टाकून देतो, मग बिब्लियोग्राफी काही काहीच टाकत नाही। पण समजा त्या जर्नल मधनं जर बरंच काही घेण्यासारखं आलं तर मग टाकावं लागतं बिब्लियोग्राफी मध्ये। राईट हा सो इट विल बी ऑलवेज सेफर टू पुट बोथ द थिंग्स। येस मोस्ट प्रिफर्ड अँड मोस्ट सेफ मेथड। राईट सर थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू सर। फुटनोट लिहिणे आवश्यक आहे का सर? कंपल्सरी आहे? नाही नाही नाही। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दोन प्रकारनी सायटेशन होतं। द मोस्ट कॉमन मेथड मोस्ट कॉमन इज इन द रेफरन्सेस। आपण आता आधी रिसर्च पेपर बद्दल बोलू। रिसर्च पेपर मध्ये आपण त्याला रेफरन्स म्हणतो। नवीन 21व्या शतकात आम्ही त्याला प्रिन्सिपल रेफरन्सेस असं नाव देतो। तिथे आपण सगळं लिहितो कारण एक रिसर्च पेपर जर आपला 15 पानाचा असेल तर तुमचे रेफरन्सेस साधारण 10-15-16 असू शकतात। सो दॅट इज रेफरन्सेस। जेव्हा आपण पीएचडी का थीसिस लिखते तो हम उसको बिब्लियोग्राफी बोलते क्योंकि उसमें सब कुछ आता है। अब आया आपके सवाल का जवाब कि साइटेशन फुटनोट में देना अच्छा है कि पीछे देना अच्छा है। आप अगर मुझे वैयक्तिक पूछोगे तो मैं फुटनोट इसलिए प्रिफर करूंगा क्योंकि रिव्यूअर को वहीं के वहीं पता चलता है।
बट दोनों भी तरीके से देना इज एक्सेप्टेबल। अगर अगर मेरे कुछ ऐसे पेपर है जिसमें आधे A4 पे साइटेशन है फुटनोट के, तो अगर वो बहुत ज्यादा हो गए तो वो फिर पेज बड़ा अजीब दिखता है, याच कम्प्युटर मध्ये आहे, पण तरी मला ती पद्धत आवडते, मी तिथल्या तिथेच फुटनोट मध्ये देतो, कारण मागे जर खूप महत्त्वाचं असेल तर देतो, नाही तर आय प्रिफर दॅट। आणि थीसिस मध्ये असं नका करू, थीसिस मध्ये सगळं बिब्लिओग्राफी मध्ये टाका, तुमचं विद्यापीठाचे काय नियम आहेत ते फॉलो करा। रिसर्च पेपर मे 100% फुटनोट दे सकते हो, ऑल जर्नल्स अलाउ दॅट, अँड एनी अदर रिसर्च मे फुटनोट इज ऑल्सो ऍक्सेप्टेड, वाईडली ऍक्सेप्टेड। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, थँक यू व्हेरी मच सर। ओके, अजून आहेत का काही प्रश्न? सर का सर मला सेशन है, कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ सर, मला पहिला प्रकरणाविषयी विचारायचं होतं। सर माझं झालंय मॅक्झिमम, पण मी थोडंसं कन्फ्युजिंग मध्ये आहे। जसं इंट्रोडक्शन लिहायचं आहे किंवा आपलं संशोधनाचं महत्व, संशोधनाची गरज, यामध्ये मी कन्फ्युज आहे सर। ऍक्च्युली या तिन्ही पार्ट मध्ये काय लिहायचं? नाही कसं आहे माहिती का, सगळ्यात पहिले हां ते तुम्ही ते सिनॉप्सिस मध्ये लिहिलंय का मला सांगा बरं। काही आता जे नवीन सिनॉप्सिस येत आहेत ना, तर त्याच्यात वाय यू आर सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, वाय यू आर सिलेक्टिंग दिस फील्ड, असं आजकाल त्याच्यात सब ॲडिशन आलेले आहे, अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस रिसर्च। आता काय करायचं आहे तुम्हाला, सगळ्यात पहिले इंट्रोडक्शन, तो जो तुमचा विषय आहे त्या संबंधितला ब्रॉड जी काही माहिती आहे, मग ती विदेशातली असो, देशातली असो, राज्यातली असो, ती साधारण 6-7 पानं ती लिहायची आहेत। जिथे जिथे तुम्हाला रेफरन्सेस द्यायचे आहेत ते मागे बिब्लिओग्राफी ते टाकायचे आहेत। ते संपल्यावर तुम्हाला वाय ऑथर ऑर रिसर्चर इज सिलेक्टिंग दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, त्याच्याबद्दल तुम्हाला बुलेट पॉईंट, हे सगळं बुलेट पॉईंट, याच्यात स्टोरी नाही, 1, 2, 3, 4, 5 इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस टॉपिक, 1, 2, 3, 4, 5 बुलेट पॉईंट। म्हणजे जरा चर्चा करा तुमचे जे सहकारी किंवा मित्र, देखो PhD करते समय कई डाउट्स आएंगे, कई डाउट्स आएंगे। मैं आपको और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में आपको ऑब्जर्वेशन भी डालना पड़ता है और कंक्लूजन भी डालना पड़ता है, तो कैंडिडेट वहीं पर गड़बड़ जाता है कि सर ऑब्जर्वेशन क्या, कंक्लूजन क्या। आपका जो भी फॉर्मेट होगा उसको फॉलो करो, पर आपको डाउट आएगा ना तो है वो गुड कलीग जो आपको समझ सकता है, जो आपको इनपुट दे सकता है, या अगर आपके गाइड अच्छे होंगे तो उनको भी पूछो, बट हाँ ये लिखना जरूरी है। अगर अपने आप को कहीं सोच विचार में दिक्कतें आ रही होगी तो हमको अपने गाइड से संपर्क करना या मित्रों से सलाह लेके करना, कारण ते लिहिणं आवश्यक आहे, म्हणजे आहेच। बरेचदा आपलं डोकं काम नाही करत, दुसऱ्याच्या विचाराने आपल्या विचारांना चालना मिळते, ते सुद्धा रिकमेंडेड आहे। टॉक टू दी पीपल, आणि ते तुम्ही इंट्रोडक्शनच्या शेवटी लिहायचं की हा हाच विषय काय, याचं महत्त्व काय, वगैरे वगैरे वगैरे, प्रॉबेबल इम्प्लिकेशन हे टाकावं लागतं सर, त्याला उपाय नाही आहे ना। ओके सर, दॅट बेसिकली जस्टिफाईज वाय यू आर डुईंग दिस। जर हे तुमच्या सिनॉप्सिसमध्ये असायला हवं, हे जर नसेल तर आता टाका, पण मी आता असे सिनॉप्सिस बघतोय रिसेंटली, तिथेच त्याला विचारतात की हे का, मग तिथेच जस्टिफिकेशन येतं, त्याला इलॅबोरेट करावं लागतं थोडं, है ना। यू सर्च ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, गुगलमध्ये टाकून सर्च करा, मिळेल। विचार करायला बसायचं, मग त्या विचारांना चालना मिळते, मग आपले नोट्स घ्यायचे, रफ लिहायचं, टाईप करून बघायचं, विसरून जायचं 1-2 दिवस, परत वाचायचं, मग चर्चा करायची, मग ते रिफाईन होतं। राइटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द रिसर्च, आपको वन सीट में करना पड़ता है। अब उस दिन मैं जब यवतमाल का मेरा लास्ट रिकमेंडेशन चैप्टर, यू वोंट बिलीव, 6 घंटे में 37 पन्ने लिखे, टाइप किए मैंने, ना मेरे को समझा रात थी या दिन था, मैं चाय पीते गया और बैठते गया, फिर जैसा कंप्लीट हो गया मैंने बंद करके मैं 8 घंटा सो गया, टाइम भी नहीं देखा। वन सीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि तो आपका वो मोमेंट, ते मन असं बनतं, त्याच्याकरता तयार असलं की मग काम करायचं। जबरदस्ती आप बैठोगे ना तो वो काम खराब होगा। आपकी जो भी कैपेसिटी है, मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ साइंस का। आपका जन्म, ध्यान से सुनो, आपका जन्म दोपहर के 12 से लेके रात के 12 के बीच में हुआ होगा, तो
तो आप लोगों को रात को काम करना चाहिए, पर आपका जन्म अगर रात के 12 के बाद, दोपहर के 12 के पहले हुआ होगा तो आपको सवेरे काम करना चाहिए। ये साइंस बताता है, क्योंकि जब आप पहले बार दुनिया में आते और सांस लेते उस समय कौन सा टाइम चल रहा है वहां पे आपका ब्रेन एक्टिवेट, मतलब उस समय में आपका ब्रेन ज्यादा काम करता है। तो मैं तो सवेरे 4 बजे वाला जन्म है, तो मेरा काम पहाटे पहाटे माझे सगळे काम होतात, दुपारी माझं डोकं चालत नाही। तो आप भी आपकी कैपेसिटी देख लो, कब आपका ब्रेन क्रिटिकल काम, लिखना ये क्रिटिकल काम है कारण त्याचे बरेच पहलू आहेत लिहायचे, वो क्रिटिकल काम प्रिफरेबली डू इन वन सिटिंग, एकांतवासात करा, लोकांपासून दूर जाऊन करा, लायब्ररी करा, कुठेही करा, पण दॅट इम्पॅक्ट्स द क्वालिटी ऑफ युअर वर्क, बिकॉज दॅट्स हाऊ यू विल बी जज की तुम्ही काय केलंय। आणि एकदा केलं, एकदा मोमेंटम में आके करले नाही का, फिर उसको धीरे धीरे ऑल्टर करते जाने का, फाइन ट्यून करने का। पर वो मेरे को ऐसा मोमेंटम आता कभी कभी, वो आया कि फिर मैं अनलिमिटेड घंटे बैठ जाता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं फोन भी नहीं देखता, कोई भी काम संपला कि मैं बाकी से काम होता। तो वो आपका टेम्पो ढूंढ लो, कब आपको वो टेम्पो मिलता है, क्योंकि आप परिवार वाले, आप काम करते, मी तो ब्रह्मचारी है, बेरोजगारी है, त्याच्यामुळे माझ्याकडे वेळच वेळ असतो, आणि मला काही हे नाही आहेत, जबाबदाऱ्या नाही आहेत, माझे दोन कुत्र्याची पिल्लं सोडले तर माझ्याकडे वेळ आहे, त्याच्यामुळे मला ते आवडतं। पण आय अंडरस्टँड आपको फॅमिली आहे, लाईफ आहे, तो बट फाइंड दॅट स्लॉट, जो भी टाइम होगा, और उस दिन करने का मतलब करने का, नाही तो नाही होता वो। मग ते कंटाळ आल्यासारखं लोक लिहितात, अरे यार मी 4.5 साल हो गए, असे मी खूप मित्र बघितले आहे, एक्सटेन्शन को डाल यार, ये कर, त्याला ते योग्य वेळी संपायचं, समाधान वाटलं पाहिजे की हे मी केलंय। आणि लक्षात ठेवा, या पुस्तकावर तुम्हाला आचार्याची डिग्री मिळेल, आणि भारतात असे किती लोक आहेत, फार कमी आहेत, त्यातले तुम्ही भाग्यवान आहेत। मग काम चांगलं नाही झालं पाहिजे का आपलं, त्याच्यासाठी मेहनत नाही केली पाहिजे का, करायला हवी। मग त्यात सगळं नैतिकता, प्रोफेस, हे जे प्रिन्सिपल आहेत आपले इथिक्सचे, ते सगळे त्याच्यात आले पाहिजेत, आणि तुम्हाला त्याचा अभिमान वाटला पाहिजे की हे मी केलंय आणि मी समाधानी आहे, दॅट्स इट। काम होत आहे, केल्यानी होत जाते, करणे का है ना, थोड़ा एफर्ट लो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा काम करो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आगे बढ़ाओ, और जिनको रिसर्चर बनना है आप रिसर्चर भी बनो, बच्चों को पढ़ाओ। ऐकल्याबद्दल धन्यवाद, 2 दिवस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम ला रात्रीपर्यंत पाठवा, थैंक यू सर, मैडम कडून ईमेल घेऊन घ्या आणि यू कैन डिस्कस टू देम, ठीक है। And thank you, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू झाले, पण हां सर, बट काही प्रॉब्लेम नाही सर, बाकी कंटेंट वाइज इट वाज बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू टेक योर लंच एंड वी विल कम बैक एट 2 PM।